जिले के डोमचांच नगर क्षेत्र सांस्कृतिक भवन में नगर अध्यक्ष राजकुमार मेहता के द्वारा रंगारंग होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। समारोह में बुद्धिजीवी, समाज सेवी और युवा वर्ग के लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और पकवान खिलाकर होली का त्योहार मनाते नजर आए। साथ ही उन्होंने होली को भाईचारे के साथ मनाने का संदेश दिया। बताया गया कि होली का त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इस त्योहार को हम सभी को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण मनाना चाहिए। केश गोस्वामी की रिपोर्ट। और हम हिंदू समाज एक होकर के हम आज हमारे देश में जो दुर्जनों का जो वातावरण इसे मिटाना है, और इसके साथ हमारे जो अध्यक्ष महोदय, हम इसे निवेदन करेंगे अब तक जो आपने अपने अध्यक्षता में जो काम किया है इसे बढ़ चढ़ के आगे भी काम करते रहे। आज होली के शुभ अवसर पर पूरे नगरवासी के साथ हम लोग होली मिलन समारोह का आयोजन किए हैं, जिसमें पूरे नगर के मेरे गार्जियन स्वरूप देवेंद्र चा, श्री भरत चा, भालचंद बाबा, अजय भैया, शंकर और पूरे नगरवासी, मेरे नौजवान युवा साथी लोग, प्रिय दोस्त, मेरे बुद्धिजीवी, समाज सेवक सारे लोग शिरकत किए। हम लोग नया पहल, क्योंकि इधर कोविड के कारण उधर हम लोग कार्यक्रम वगैरह क्योंकि इस टाइप का हम लोग आयोजन करने का अवसर नहीं मिल पा रही थी, कोविड के बाद हम लोग को अवसर मिला, तो हम लोग पुरानी सांस्कृतिक जो दिन प्रतिदिन लुप्त की ओर जा रहा है उसको हम लोग जगाने के लिए उसी परिवेश में हम लोग युवाओं के साथ नया कार्यक्रम किए। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे होली के त्यौहार से पहले पूर्व में सारे लोग ग्रामीण बुद्धिजीवी लोग भी जानते ही हैं कि होली आने से पहले गांव ग्रामीण क्षेत्र में झाल, ताशा, नगाड़ा, ढोल का आवाज़ गूंजने लगता था। अभी धीरे धीरे लुप्त की ओर जा रहा है, तो हम लोग इसको बेहतर, इसको पुराना अपना जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम लोग बरकरार रखने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किए। और मैं आप पूरे अपने नगरवासी को, साथ ही जिलेवासी को, राज्य झारखंड राज्य के पूरे देशवासी को होली के इस त्यौहार में सबों को मेरी ओर से और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई है, शुभकामना है। होली एक ऐसा त्यौहार है जो भी लोगों के बीच थोड़ा सा अपने में मनमुटाव होता है, सारा चीज़ को भेदभाव को भूलते हुए हम लोग भाईचारगी के साथ होली का त्यौहार मनाएं, यही मेरा सबों को शुभकामना मेरी ओर से है। और सबों को मेरी ओर से होली के ढेर सारे शुभकामना। राजकुमार मेहता जी के साथ साथ तमाम कोरबा जिला के और झारखंड के लोगों को हम अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। ये नगर अध्यक्ष द्वारा जो होली मिलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है वो सराहनीय पहल है। इसमें लोक संस्कृति और प्राचीन जो परंपरा है उसकी झलक मिलती है। नगर अध्यक्ष समेत उनके पिताजी हमारे समाज सेवी भरतराज मेहता जी और देवेंद्र मेहता जी, अजय कृष्ण जी को मैं बधाई देता हूँ कि ये बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है और यह परंपरा प्रतिवर्ष होता रहे, निभाते रहे लोग, यही शुभकामना है। और जो होली मिलन समारोह किया जा रहा है वो तो बहुत सराहनीय कार्य है, लेकिन यह भारतीय संस्कृति लुप्त होते जा रहा है और भारतीय संस्कृति अभी लोग होली मिलन समारोह हो रहा है जिसमें कि अभी जो पुरानी सभ्यता के अनुसार जो करताल वगैरह झाल वगैरह बज रहा था, पुराने गीत लोग गा रहे थे, उसको तो बहुत सराहनीय कार्य है। लेकिन अभी अभी क्या है, नए पीढ़ी के लोग पश्चिमी सभ्यता के की ओर जा रहे हैं और डीजे में अश्लील गाना ज्यादा बजता है। इसलिए हम मीडिया लोगों से ही निवेदन करेंगे कि आप लोग असली जो
पुरानी परंपरा है, पुरानी सभ्यता है, उसको पर धरातल पर लाने के लिए आप लोग मीडिया लोग अथक प्रयास करेंगे तभी ये धरातल पर आएगा और अधिक से अधिक अपने संस्कृति अपना जो भारतीय संस्कृति है उसको धरातल पर लाने के लिए मीडिया लोग अहम भूमिका निभाए तभी हम लोगों को ये होली मिलन समारोह का सफलता मिलेगा। आज शुभ अवसर है और आज होलिका दहन है। होलिका दहन का मतलब है कि देवत्व का जो है सो पदस्थापित होता है और राजसी प्रवृत्ति के लोगों का दहन होता है। यह होली मिलन समारोह समता मूलक समाज निर्माण करने का एक समारोह है। इसमें बड़े से बड़े लेकर के छोटे भाई और उस से नीच सब समान रूप से होली मिलन समारोह का आनंद लेते हैं। सभी तबके के लोग इसमें शरीक होते हैं। इसे एक समता मूलक समाज का निर्माण होता है और भारतीय संस्कृति देवत्व का प्रभाव बरकरार रहे इसलिए होली का कार्यक्रम किया गया पूरे देश में होता है। आज है होली है, कल या परसों पूरे देश में होली का समारोह होगा और शांतिपूर्ण ढंग से आनंदपूर्ण ढंग से भाईचारा कायम करते हुए होली का आनंद लेते हैं। यही मेरा कहना है। राजकुमार बाबू इस नगर के अध्यक्ष हैं और ये कार्यक्रम किए हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। त्यौहार को देखते हुए हमारे नगर के माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार भैया जी के कर कमल के द्वारा नगर सभी प्यारे जनता के लिए होली मिलन समारोह का कार्यक्रम धूमचांच सांस्कृतिक भवन में रखा गया। ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छी पहल है और इन्हीं त्यौहार को देखते हुए मैं धूमचांच नगर के साथ साथ पूरे कोटमा जिले की सभी जनता को और सभी वर्गों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एवं शुभकामना देता हूँ। इन्हीं बातों को रखते हुए आप सभी मीडिया भाई को मैं भी दिल से धन्यवाद देता हूँ और बहुत अच्छा त्यौहार है, हम लोग को हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है और हम लोग मिलजुल के मना रहे हैं, सभी बहुत बढ़िया रहते हैं। सबसे पहले पूरे नगरवासियों के होली के शुभ अवसर पर सबको बधाई देते हैं राजकुमार भैया को कि ऐसा कार्यक्रम पूरे नगर में रखे और इससे ये रंगों का त्यौहार में सबसे पहले एक दूसरे का जो आपसी मतभेद होता है वो मिलकर सब एक दूसरे के साथ खुशियां मनाती है और साथ ही साथ पूरे नगर पंचायत में राजकुमार भैया को सबसे बधाई हम लोग देते हैं कि ऐसा कार्यक्रम किए और इसी तरह हम ऐसा करते रहें और पूरा नगर को एक साथ में लेके जाएं और पूरा नगर को विकास की ओर लेते जाएं। इसी साथ हम लोग आग्रह करेंगे मीडिया भाई से भी कि अभी जो अश्लील गाना बजते हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग विचार विमर्श करके उस पर हम लोग रोक लगाएं, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता जो है हमारे जैसे अभी हम लोग देखें कुछ देर में कि हमारे जो ताशा और ढोल पर जो हम लोग फिरके नाचे सब लोग मनाए इस ढंग से मनाए, अश्लील गाना ना बजे, हमारे भाई बहन पर ऐसा असर पड़ता है।